वेलकम बैक। मैं सोनल, आपकी दोस्त। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज मैं आपको सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर कुछ शॉर्टकट कीज और कुछ शॉर्टकट मेनू के ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल पैनल मीन्स ZAMP कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपाचे एंड MySQL को स्टार्ट कर लेना है। सी हियर, ये मेरा ग्रीन हुआ है, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। सो अब हम जाते हैं हमारे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे हमें कुछ फाइल्स क्रिएट करने होते हैं। सो मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करती हूँ। फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे न्यू फाइल। सो ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। एज द सेम वे, आप अपने कीबोर्ड से भी शॉर्टकट की प्रेस करके इस फाइल को क्रिएट कर सकते हो। सो जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड एन बटन। सो सी हियर, ये मेरी सेकेंड फाइल भी आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस फर्स्ट फाइल को सेव कर लेती हूँ। सो फाइल में जाके यहाँ पे सेव एज ऑप्शन में क्लिक करना है। गाइस, जनरली आपने देखा होगा कि हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में सिंपली किसी भी फाइल को सेव करते हैं, बट यहाँ पे हमें हमारे फाइल को लोकल होस्ट पे रन करना होता है, इसीलिए इसके कुछ स्पेसिफिक पाथ है, उसी पाथ से हमें फाइल को सेव करना होता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको विंडोज सी में जाना है, फिर यहाँ पे नीचे ZAMP ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको इस ZAMP के अंदर htdocs को सर्च करना है। सो ये मेरा यहाँ पे है htdocs। सो इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप कहीं भी राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करें। सो यहाँ पे आपका न्यू फोल्डर क्रिएट होगा। सो इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे नाम देती हूँ शॉर्टकट कीज करके मैंने एक नाम दिया है और मैं एंटर प्रेस करती हूँ। सो ये हमारा न्यू फोल्डर बन चुका है। सो क्लिक ऑन इट और यहाँ पे हमें हमारे फाइल को सेव करना होता है। सो मैं इस फाइल का नाम देती हूँ index.html। गाइस, .html ये HTML का एक्सटेंशन होता है। हम कोई भी HTML की फाइल अगर सेव करते हैं तो उसके सामने, मतलब कि फाइल नेम और उसके सामने .html का एक्सटेंशन देना इम्पॉर्टेंट होता है। सो जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन। सो गाइस, एज यू सी हियर कि मेरी ये फाइल सेव हो चुकी है। सो अब हम इसमें HTML का कोड टाइप करते हैं। गाइस, हमने देखा होगा जनरली कि बहुत से टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपको HTML का कोड टाइप करना होता है पूरा, बट गाइस यहाँ पे आपको सिर्फ HTML लिखना है और टैब बटन प्रेस करना है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो HTML का पूरा स्ट्रक्चर कोड आ चुका है। ये तभी आ सकता है जब आपकी फाइल सेव हो। अगर आपकी फाइल सेव नहीं होगी तो ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा। सो हमारा कर्सर टाइटल के अंदर है तो मैं कुछ टाइटल दे देती हूँ। सो गाइस, मैंने टाइटल दिया है। लेट्स सी, अब बॉडी के अंदर हम कुछ लिंक क्रिएट करते हैं। सो लिंक क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ सिर्फ ए और टैब बटन प्रेस करती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ए के बाद HREF आ चुका है और इज इक्वल टू और बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारा कर्सर प्लेस हुआ है। सो यहाँ पे भी मैं कुछ टाइप करती हूँ, जैसे कि index.html। सो गाइस, ये मैंने टाइप कर लिया है और यहाँ पे भी मैं कुछ लिखती हूँ जस्ट। सो ओके, सो गाइस,
कोडिंग के टाइम पे आपको कई लिंक्स की जरूरत होती है, राइट? सो लेट्स सी कि इस लिंक को कैसे हम डुप्लीकेट या फिर कॉपी कर सकते हैं. सो आप अपने कर्सर को इस लाइन पे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो. सो मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ और मेरे कीबोर्ड से प्रेस करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट और डी बटन. सी हियर गाइस, ये मेरे लाइंस कॉपी हो चुके हैं और हो रहे हैं. सी मैंने यहाँ पे कितने लाइंस बहुत ही इजी वे से क्रिएट कर लिए हैं, राइट? सो आप भी कंट्रोल शिफ्ट और डी बटन प्रेस करके ऐसे मल्टीपल लाइंस कॉपी कर सकते हो, राइट? सो गाइस, अगर मुझे ये कंटेंट नहीं चाहिए, मीन्स मुझे डिलीट करना है और यहाँ पे मुझे चाहिए style.css और यही कंटेंट मुझे सभी लाइनों में चाहिए. बट गाइस, क्या आप ऐसे करते रहोगे पूरे लाइन के टाइम पे कि पूरा मतलब ये डिलीट करना और वापस से टाइप करना? सो गाइस, इसके लिए भी आपको एक इजी ऑप्शन मिल जाता है. सो यहाँ पे मल्टीपल कर्सर का, सो देखो मैं अभी क्या करती हूँ. सो मैंने यहाँ पे मेरे कर्सर को पॉइंट किया है. अब मैं मेरे कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन होल्ड करके रखूँगी और जहाँ मुझे ये कर्सर चाहिए वहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक करते जाऊँगी, सिंगल क्लिक. ओके गाइस, सो मेरा यहाँ पे मल्टी कर्सर आ चुका है. अब मैं यहाँ पे बैक स्पेस की को प्रेस करके ये मेरे कंटेंट को डिलीट करूँगी. सी हियर, मेरा कंटेंट डिलीट हो चुका है और अब मैं यहाँ पे मुझे जो कंटेंट चाहिए, मीन्स style.css. सो सी हियर, ये मेरा कंटेंट आ चुका है. देखा गाइस, हमने मल्टीपल कर्सर का यूज़ करके बहुत से लाइंस को सेम कंटेंट मतलब लिखा, राइट? मतलब आपको बार बार हर एक लाइन को डिलीट और फिर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. सो गाइस, लेट्स सी कि इस मल्टी कर्सर को कैसे हटाते हैं. सो जस्ट सिंपली प्रेस एस्केप की ऑन योर कीबोर्ड. सी हमारा मल्टी कर्सर हट चुका है, राइट? सो गाइस, है ना सिंपल शॉर्टकट कीज? सो गाइस, अगर आपको यहाँ पे किसी भी लाइन को ऊपर या नीचे कॉपी पेस्ट करना होगा तो इसके लिए भी अपने पास शॉर्टकट कीज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कंटेंट को थोड़ा सा ये करती हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कि मैंने कौन से लाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है. सो यहाँ पे मैं इस लाइन पे कहाँ पे भी कर्सर प्लेस करती हूँ और मेरे कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो प्रेस करती हूँ. सो अप एरो प्रेस करते जाना है और ये आपने देखा कि ये मेरी लाइन ऊपर चली गई. सेम एज फॉर नीचे आने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो. सी हियर, ये मेरी लाइन यहाँ पे आ चुकी है, राइट? सो इट्स द वेरी सिंपल वे, राइट? सो गाइस, अगर आपको किसी लाइन को डिलीट करना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? सो लेट्स सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा लाइन है, इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं मेरे माउस के पॉइंटर को कहाँ पे भी प्लेस करती हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और के बटन प्लेस करती हूँ. सी मेरी लाइन डिलीट हो चुकी है, राइट? सेम हियर, इस लाइन को भी डिलीट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के बटन. सी मैंने दो लाइंस इजीली डिलीट कर दिए, राइट? गाइस, अगर आप चाहते हो कि सपोज यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है और इसके बाद का कंटेंट डिलीट हो जाए, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू शॉर्टकट की. लेट्स सी, सो अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें कंट्रोल एंड के. सी हियर अगेन, मैं यहाँ पे डिलीट करती हूँ. सो यहाँ पे कर्सर रखा और मेरे कीबोर्ड पे मैंने
प्रेस किया कंट्रोल एंड के के। सो सी हियर गाइज, कितने इजीली कर्सर के आगे का कंटेंट डिलीट हो गया, राइट? सो है ना सिंपल वे। सो गाइज, अगर आपको आपके किसी लाइन को कमेंट बनाना होगा तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है देख लेते। सो प्लेस योर कर्सर एनीवेयर इन दिस लाइन, ये लाइन को मुझे कमेंट करना है। सो मैंने प्लेस किया और मैं मेरे कीबोर्ड पे प्रेस करूँगी कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश। लेट्स सी हियर, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। सो सी हियर, ये लाइन मेरी कमेंट हो चुकी है, राइट गाइज? सो ये थे हमारे कुछ शॉर्टकट कीज। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ शॉर्टकट मेन्यूज ऑप्शंस के बारे में। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे कुछ डेमो मेन्यू चाहिए, इसके लिए ये मैं यहाँ पे डिव क्रिएट कर लेती हूँ, डिव एंड टैब बटन। सो ये मेरा डिव में कर्सर आ गया है। और गाइस, सपोज आपको कभी कोडिंग के टाइम के पे कुछ डमी टेक्स्ट की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं, सीधे किसी ब्राउज़र पे जाते हैं, वहाँ पे लॉरम आईपीजम टाइप करते हैं और फिर वहाँ का कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हो अपने टेक्स्ट एडिटर में। बट यहाँ पे गाइस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपको ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली राइट हियर लॉरम एंड टैब बटन प्रेस कर दीजिए। सी हियर गाइज, यहाँ पे हमारा डमी टेक्स्ट आ चुका है कितने सिंपल वे से, मतलब कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ ज़्यादा टेक्स्ट की ज़रूरत है, इसके लिए मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट करती हूँ। उप्स वेट, मैंने कॉपी नहीं किया, सिर्फ सिलेक्ट ऑल किया था इसलिए। ओके सो ये मुझे यहाँ से ओके। सो अब मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करती हूँ और अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करना चाहती हूँ। सो यहाँ पे मेरा कर्सर प्लेस करती हूँ, जस्ट वेट, ये कर्सर इजीली प्लेस नहीं होता यहाँ पे। हाँ यस, कर्सर प्लेस हो चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी ऐसे करके मैंने, यू कैन सी हियर, कितना बड़ा कंटेंट कॉपी कर लिया है, राइट गाइज? सो अब मैं आपको शॉर्टकट मेन्यूज के बारे में बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये साइड बार, अगर आपको ये साइड बार पसंद ना हो तो यहाँ पे व्यूज ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन आपको मिलेगा साइड बार, और इसके बाजू में यहाँ पे लिखा है साइड हाइड बार। सो क्लिक ऑन इट। सी हियर, साइड बार अपना हट चुका है और वापस साइड बार लाने के लिए सेम हियर व्यू मेनू पे जाना है, साइड बार, और यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा कि शो साइड बार, क्लिक ऑन इट। सो ये साइड बार आ चुका है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा मिनी मैप, राइट? इस मिनी मैप के थ्रू आप अपने टेक्स्ट मतलब कंटेंट पे कहाँ पे भी मूव कर सकते हो इजीली। सो सी गाइज, मैं यहाँ पे अब मेरे इस पार्ट को, अब मैं यहाँ पे टॉप पे, राइट? सो गाइज, अगर आपको ये मिनी मैप का ऑप्शन पसंद नहीं होगा सो गो टू व्यू मेन्यू, आफ्टर दैट स्लाइड बार के नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाइड मिनी मैप, इसे क्लिक करें। हाइड मिनी मैप करने के बाद मिनी मैप हट चुका है। अगर आपको मिनी मैप वापस चाहिए तो सेम व्यू और यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो मिनी मैप। सो ये मिनी मैप हमारा शो होने लगा वापस से, राइट गाइज? अपने कोडिंग के टाइम पे हमें कई सारे विंडोज एक साथ ओपन चाहिए होता है, सो इसके लिए भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे दिया गया है। सो लेट्स सी हाउ इट इज। सो व्यू के अंदर जाना है, यहाँ पे लेआउट ऑप्शन है, लेआउट के अंदर हम यहाँ पे कॉलम्स टू करेंगे। सो यहाँ पे दो कॉलम्स आ चुके हैं, सी हियर। अब मैं यहाँ पे व्यू के अंदर लेआउट में जाके
कॉलम्स थ्री कर दूंगी. सी हियर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट. सो ऐसे थ्री कॉलम्स हमारे आ चुके हैं. सो मैं इसे सिंगल कॉलम रखना चाहती हूँ. सो हियर लेआउट में जाके सिंगल, सी यहाँ पे मेरा सिंगल कॉलम आ चुका है. अब गाइस मैं आपको एक अलग ऑप्शंस के बारे में बताना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस अनसेव्ड की ज़रूरत नहीं है फाइल को, सो इसलिए मैं इसे डिलीट कर देती हूँ. सो गाइस यहाँ पे है मेरा हेडर और यहाँ पे नीचे है मेरा फुटर. सो गाइस अगर मुझे हेडर में कुछ लिखना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ यहाँ पे H1 टैब. सो H1 के अंदर मेरा कर्सर है. सो यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग देती हूँ, मेरा नाम लिख दिया मैंने, और यहाँ पे नीचे जाके मुझे फुटर पे भी कुछ लिखना है. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड, राइट. सो गाइस अगर मुझे लगता है कि मेरा हेडर में कुछ रह गया है तो फिर मुझे स्क्रॉल करते करते जाना पड़ेगा. सो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है. फाइल के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू व्यू इनटू फाइल. कंफ्यूजन है बहुत. सो क्लिक ऑन इट. सो गाइज यू कैन सी हियर हमारे एक फाइल के, इसे कुछ यहाँ से क्लोज कर देते हो या कुछ नहीं है, जस्ट आता है बीच में. सो यू कैन सी हियर हमारे एक की फाइल का दो व्यू आ चुका है यहाँ पे, राइट. सो मैं यहाँ पे हेडर मेरा ओपन है और यहाँ पे मैं फुटर ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे, राइट. सो अब मुझे लगता है कि मेरे हेडर में कुछ रह गया है. सो मैं यहाँ पे हेडर में जाऊँगी और यहाँ पे मेरा नाम है, इसके आगे मैं कुछ ऐड कर देती हूँ. अब मुझे लगता है कि मेरा फुटर में कुछ रह गया है, सो मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ से फुटर पे चेंज करूँगी जो मुझे चेंज करना है. सो ये मैंने चेंज किया और अब मैं यहाँ पे जाके मेरे इस फाइल को सेव करूँगी कंट्रोल एस से. सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा हेडर जो चाहिए था वो आ चुका है और यहाँ पे मेरा फुटर भी सेव हो चुका है. सो अब इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है. सो डिलीट इट. ओके. सो गाइज ये थे हमारे कुछ शॉर्टकट कीज एंड शॉर्टकट मेन्यूज के ऑप्शंस. सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा या ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो गाइज आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. मतलब कि आपको मेरे नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि मैंने कब वीडियो अपलोड किया है, राइट गाइज. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.